टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स की बात करते हैं तो टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंट इंफॉर्मेशन टेबल वी सी मेनी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेड टेक्स्ट डाटा। टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंट इज आल्सो ए मेथड फॉर रिप्रेजेंटेड टेक्स्ट डाटा। इन दिस मेथड द टेक्स्ट डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इंफॉर्मेशन टेबल में हमने बहुत से मेथड देखे एक टेक्स्ट डाटा को रिप्रेजेंट करने की। टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंट हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मेथड में हम टेक्स्ट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ए टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स इज ए मैथमेटिकल मैट्रिक्स दैट डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म्स दैट अकर इन ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स हमारे पास एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स है जिसके अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म्स अकर हो रही है एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। ए टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स एंड डॉक्यूमेंट वे ईच रो स्टैंड फॉर टर्म्स एंड ईच कॉलम फॉर ए डॉक्यूमेंट एंड एन एंट्री इज ए नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द टर्म्स इन ए डॉक्यूमेंट। टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स एंड डॉक्यूमेंट में जिसमें हमारे पास हर रो जो होती है वो जाहिर कर रही होती है टर्म्स को और हर कॉलम जो होता है वो जाहिर कर रहा होता है डॉक्यूमेंट को। एंड एन एंट्री इज ए नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द टर्म्स इन ए डॉक्यूमेंट। अल्टरनेटिव वन कैन ऑल्सो बिल्ड ए डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बाय स्वैपिंग ए रो एंड कॉलम। हम टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स को बिल्ड करते हैं रो और कॉलम को स्वैप करते हुए। इट इज ए वन एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड वे वी कैन आंसर एनी क्वेरी विच इज इन द फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स दैट इज इन विद द टर्म्स आर कंबाइंड विद द ऑपरेटर एंड और नॉट। हमारे पास इस मैट्रिक्स पर एक एप्लीकेशन होती है जिसके जरिए हम किसी भी क्यूरी का आंसर कर सकते हैं और वो हमारे पास एप्लीकेशन बूलियन एक्सप्रेशन होती है, बूलियन एक्सप्रेशन है ऑफ टर्म्स जिसमें हमारे पास हर टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं ऑपरेटर के साथ और वो ऑपरेटर हमारे पास एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर है। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट और क्यूरी को देखते हैं। ये मेरे पास एक क्यूरी है और ये मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये मेरे पास एक कॉर्पस है, एक डाटा सेट है। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ये कंप्यूटर और साइंस की टर्म जो है वो इस डॉक्यूमेंट में अकर हो रही हो और इंफॉर्मेशन की टर्म जो है वो इस डॉक्यूमेंट में अकर ना हो रही हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। सो आई लेट सी कि टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। स्टेप टू इम्प्लीमेंट टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस। टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस को ग्रे करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। उनमें स्टेप में से सबसे पहले हमारे पास रिमूव, हम स्टाफर्स को रिमूव करते हैं, फिर उनकी टोकनाइजेशन करते हैं, फिर हम टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स को ग्रे करते हैं, फिर उसमें क्यूरी को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम स्टावर्स को रिमूव कैसे करते हैं। जो हमारे पास स्टावर्स होते हैं वो हमारे पास इज इन दी होते हैं, और स्टावर्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस में हमारे कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट पे मोर फ्रिक्वेंटी वर्ड्स होते हैं और जिनको ऐड करने से हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी वो टर्म जो होती हैं वो हमारे पास डॉक्यूमेंट में कोई भी मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर रही होती, तो हम उन स्टावर्स को रिमूव कर देते हैं, उन टर्म्स को रिमूव कर देते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि व्हाई वी नीड टू रिमूव ए स्टावर्स। हमें स्टावर्स को रिमूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम स्टावर्स को इसलिए रिमूव करते हैं ताकि हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो सके, या एक ट्रेन टाइम टू ट्रेन दी मॉडल, या एक मॉडल को ट्रेन करने का जो टाइम होता है, जो प्रीप्रोसेस करने का टाइम होता है, वो हमारे पास डिक्रीज हो सके। ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट था जो कि प्रीवियस स्लाइड में दिया गया था, इसमें मैंने स्टाफर्स को रिमूव कर दिया और ये आफ्टर स्टाफर्स रिमूव ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। अब हम टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस वैक्टर को देखते हैं। इसके लिए हम हर टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स को ग्रेड करने के लिए हम हर टर्म का जो है एक बिट वेक्टर ग्रेड कर देते हैं, और हर बिट वेक्टर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है हमारे टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन कलेक्शन। अगर कोई टर्म्स हमारे पास डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम वन यूज़ करते हैं, अगर कोई टर्म्स हमारे पास डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हम ज़ीरो को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक क्यूरी है जो कि हम इस कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये मेरे पास अब ये हमारे पास एक टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स है जो कि हमने ग्रेड किया हुआ है, जिसमें हर टर्म्स हमारे पास रो को जाहिर कर रही होती है, जिसमें हमारे पास हर टर्म्स
रो को जाहिर कर रही है और हर डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलम को जाहिर कर रहा है। और ये जो है नंबर ऑफ एंट्री हमें ये बता रही है कि किस डॉक्यूमेंट में कौन सी टर्म्स अकर हो रही है। अगर वो टर्म्स किसी डॉक्यूमेंट पे अकर हो रही है तो हम उसको वन से प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई टर्म्स हमारे पास डॉक्यूमेंट में अकर नहीं हो रही तो उसको हम जीरो से प्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास क्यूरी क्या है, अब हम क्यूरी को प्रोसेस करते हैं। मेरे पास क्यूरी है कि कंप्यूटर एंड साइंस की टर्म्स हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में अकर्स हो रही हो और इंफॉर्मेशन की टर्म जो है वो अकर ना हो रही हो, तो मैं इसमें इंफॉर्मेशन का भी कम्प्लीमेंट लेके ऐड ले लूँगी, फिर इन तीनों का इकट्ठा मैं ऐड लूँगी तो हमारे पास रिजल्ट प्रोवाइड होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारी क्यूरी में क्या है, तीन वर्ड्स हैं, तीन टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास कंप्यूटर है, साइंस है और इंफॉर्मेशन है। अब मैंने कहा कि मैं इंफॉर्मेशन का कम्प्लीमेंट लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन का कम्प्लीमेंट लिया, जिसमें कम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास टर्म्स ज़ीरो होती हैं वो वन हो जाती हैं और जो वन होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। प्रीवियस आपने देखा कि इंफॉर्मेशन में हमारे पास टर्म्स है ज़ीरो ज़ीरो वन, अब हमने इनका कम्प्लीमेंट लिया तो ये हमारे पास वन वन ज़ीरो हो गई। अब हम इनका कम्प्लीमेंट लेने के बाद हम इन तीनों का इकट्ठा ही ऐड लेंगे, जब हम इनका ऐड लेंगे, ये कंप्यूटर है, साइंस है और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन की टर्म्स है, वन वन और वन हमारे पास वन आ गया, ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो आ गया, ज़ीरो 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 हमारे पास ये भी ज़ीरो ज़ीरो और ये भी हमारे पास एक ज़ीरो आ गया, यानी कि एंड लेने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास वन ज़ीरो 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 है, यानी कि बिट वाइज हमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मिल रहा है जो कि हमारे पास वन है। बिट वाइज रिटर्न वन डॉक्यूमेंट और वो डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन सा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट इज़ ऑफरिंग कंप्यूटर साइंस कोर्स। हमारे पास हमने यही हमारी क्यूरी थी कि हमारे पास कंप्यूटर और साइंस की टर्म्स अकर हो रही हों लेकिन इंफॉर्मेशन की टर्म्स जिसमें अकर ना हो रही हों हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए था, तो हमारे पास बिट वाइज जो हमने क्यूरी को प्रोसेस किया उसके बदले हमें जो रिजल्ट मिला वो यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट इज़ ऑफरिंग कंप्यूटर साइंस कोर्स, लेकिन इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन की टर्म्स नहीं, कंप्यूटर और साइंस की टर्म्स हमारे पास अकर हो रही हैं। सो ये हमारे पास एक टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स था और उसके अंदर हमने क्यूरी को प्रोसेस किया। हमने ये देखा कि हम स्टॉवर्स को कैसे रिमूव करते हैं, उसकी टोकनाइजेशन कहते हैं कैसे करते हैं, हम टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर क्यूरी को कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें उस क्यूरी को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो आफ्टर ए क्यूरी प्रोसेसिंग हमें एक डॉक्यूमेंट पर एक ही रिजल्ट मिला, जो कि ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट इज़ ऑफरिंग कंप्यूटर साइंस। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्टेड फैक्टर को कि हमारे पास इन्वर्टेड फैक्टर्स क्या होते हैं। हम इन्वर्टेड फैक्टर्स को हम इन्वर्टेड इंडेक्स भी कहते हैं। सो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इन्वर्टेड इंडेक्स क्या है। एंड इन्वर्टेड इंडेक्स इज एन इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर सॉर्टिंग ए मैपिंग फ्रॉम कंटेंट सच एज ए वर्ड्स और नंबर टू इट्स ए लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। इन्वर्टेड इंडेक्स इज लाइक ए डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं, जो नंबर्स हैं, डॉक्यूमेंट की किस लोकेशन में प्रेजेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल वर्ड्स इट इज ए हैश मैप लाइक ए डेटा स्ट्रक्चर दैट डायरेक्ट फॉर्म ए वर्ड टू ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। The inverted index extract all the word from each field for each record, enter into the database and sort them into the alphabetical order. Stoppers such as the and of that is word, which have no substantive meaning and occur very frequently, are not included in the inverted file. अब inverted index में हम extract करते हैं उन तमाम words को हर field से हर record से उसको database में store कर देते हैं। उस डेटाबेस में स्टोर करने के बाद हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सोर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम उसके स्टॉपवर्ड्स को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि स्टॉपवर्ड्स हमारे पास एस टी एन होते हैं जो कि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट में कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, हम उसको अपने इंडेक्स में से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में से निकाल देते हैं। Inverted index contain all the word from a particular phase and in addition it provide a pointer back to the record from which they come. So
अब इन्वर्टिंग टैक्स जब हम तमाम वर्ड्स होते हैं उनके एक पार्टिकुलर फेज में एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं, उसमें से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हमें एक पॉइंटर जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है जिसने जो कि हमें हमारे पास इस रिकॉर्ड को रखता है कि टर्म्स हमारे पास किस क्लेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो वंस द कंप्यूटर लोकेटेड वर्ड साइंस इन द इन्वर्टेड इंडेक्स इट देन हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट विच रिकॉर्ड टू रिट्राइव। सो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हाउ टू बिल्ड ए इन्वर्टेड इंडेक्स, कि हम इन्वर्टेड इंडेक्स को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो बिल्डिंग एन इन्वर्टेड इंडेक्स फॉर मेंटेन एनी काइंड ऑफ सर्चिंग सिस्टम रिक्वायर यू टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ स्टेप व्हाइल पार्सिंग द पेज और डॉक्यूमेंट। तो इन्वर्टेड इंडेक्स को बिल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। लेट्स हैव ए वॉक थ्रू व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग आवर ओन सर्च इंजन। तो हम देखते हैं कि हम इन्वर्टेड इंडेक्स को बिल्ड करने के हमारे पास कौन से सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, पहला स्टेप है हमारे पास फर्स्ट दी डॉक्यूमेंट, सेकंड में हम स्टॉपर्स को रिमूव कर देते हैं, फिर हम टोकनाइजेशन करते हैं, फिर हम सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग करते हैं, फिर हम स्प्लिटिंग इनटू डिक्शनरी एंड पोस्टिंग लिस्ट। ये हमारे पास एक क्यूरी है, ये हमारे पास एक क्यूरी है और ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमारे पास एक कॉर्पस, एक डाटा सेट है। अब ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हम टोकनाइजेशन करते थे। व्हाट डू यू मीन टोकनाइजेशन? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ टैक्स है, जब इस कलेक्शन ऑफ टैक्स को हम ब्रेकअप कर देते हैं इनटू टर्म्स वर्ड्स तो हमारे पास टोकनाइजेशन होती है। हम पहले इन टर्म्स की इस कलेक्शन ऑफ टैक्स में हमारे पास जो टर्म्स होती हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स में को हम टोकनाइजेशन करते हैं और देन उसको हम उसकी डॉक्यूमेंट आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन डॉक्यूमेंट आईडी? डॉक्यूमेंट आईडी हमारे पास बेसिकली ये चीज़ होती है कि वो टर्म्स हमारे पास किस डॉक्यूमेंट में अक्कर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक टर्म है यूनिवर्सिटी और ये अब किस डॉक्यूमेंट में आ रही है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट में आ रही है। जैसे फॉर ऑफ है, ये किस डॉक्यूमेंट में आ रही है? ये डॉक्यूमेंट वन में आ रही है। इसी तरीके से ये दीज है, इस किस डॉक्यूमेंट में आ रही है? ये डॉक्यूमेंट टू में आ रहा है। सो आई हैव प्रेजेंट दी डॉक्यूमेंट आई डी टू। सेकेंड स्टेप्स हमारे पास होता है सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट डू यू मीन सॉर्टिंग? सॉर्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब हम इस कलेक्शन ऑफ टैक्स को टोकनाइजेशन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास सबसे पहली टर्म्स क्या आ रही है? यूनिवर्सिटी आ रही है। सेकेंड स्टेप्स में आप जब हम इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट किया तो हमारे पास पहली टर्म्स क्या आ रही है? आर आ रही है। और किस उसके साथ हमने जब इसको सॉर्ट कर लिया देन उसको हम उसकी डॉक्यूमेंट आईडी प्रोवाइड करेंगे कि वो टर्म्स किस डॉक्यूमेंट में आ रही है। जैसे कि ये आर है, ये किस डॉक्यूमेंट में आ रही है? डॉक्यूमेंट टू में आ रही है। सो आई प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट आईडी टू। और ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स मल्टीपल टाइम्स पे आ रही होती है हम उसको ग्रुप कर देते हैं, यानी कि एक टर्म जो हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट में आ रही है उसको हम ग्रुप कर देते हैं, लेकिन उसकी एंट्री वो जो है ना वो एक दफा ही करते हैं। एंड देन आई डिस्कस द स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या होगा कि स्प्लिटिंग इनटू डिक्शनरी एंड पोस्टिंग लिस्ट। डिक्शनरी मीन्स टर्म्स एग्जिस्ट इन वोकैबुलरी। पोस्टिंग लिस्ट, व्हाट डू यू मीन पोस्टिंग लिस्ट? पोस्टिंग बेसिकली हमारे पास ये होती है जो कि हमें हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द टर्म्स इन अक्कर इन ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आप दो चीज़ों को देख रहे होंगे। ये हमारे पास स्टेप टू का टेबल है जिसमें हमने स्टेप टू में क्या किया था? सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग की थी। सॉर्टिंग मीन हमने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट किया था विद एंड देन उसकी डॉक्यूमेंट आईडी प्रोवाइड की थी और फिर हमने उसको ग्रुपिंग की थी, यानी कि जो हमारे पास मल्टीपल टर्म्स एक टाइम में आ रही थी उसको हमने एक दफ़ा ही एंटर किया था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आईडी यूज़ हुई, लेकिन स्टेप थ्री में हमने एक और चीज़ यूज़ की जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी है। व्हाट
इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट आईडी एंड डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी। डॉक्यूमेंट आईडी बेसिकली हमारे पास वो होती है जो हमें ये बताती है कि ये टर्म्स हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट में आ रही है, और डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी हमें ये बताती है कि ये किस डॉक्यूमेंट में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास टर्म्स है आर। अब हम ये देखेंगे कि इस कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट टू में हमारे पास आर प्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आर है और डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी हमें क्या बता रही है कि वो हमारे पास किस डॉक्यूमेंट में आ रहा है, जैसे कि कितने डॉक्यूमेंट में आ रही है। जैसे कि ये आपने देखा कि ये हमारे पास आर एक दफ़ा ही एक डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हो रही है, सो हमने इसकी डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी क्या लिखी, वन। ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं और ये हमारे पास पॉइंटर होते हैं जो कि हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड को भी रखते हैं कि वो टर्म्स हमारे पास किस डॉक्यूमेंट पे किस पोजीशन पे आई। और पोस्टिंग लिस्ट, जैसे कि मैंने पहले ही डिफाइन किया कि पोस्टिंग लिस्ट हमें हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि लोकेशन ऑफ द टर्म इन अकर इन ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आईडी ही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोर्स है, ये इसकी डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी क्या है, टू, और इसकी पोस्टिंग लिस्ट क्या बनेगी कि पहले हमारे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आई, उसके बाद ये हमारे पास किस डॉक्यूमेंट में आई, डॉक्यूमेंट टू में आई। अब यहाँ पे हमने इसको इन्वर्टेड इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। इन्वर्टेड इंडेक्स में ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की है, इसमें हमने स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया। स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करने के बाद हमने इसको इन्वर्टेड इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हमें कुछ आइडियाज दी गई हैं, टर्म्स दी गई हैं और डॉक्यूमेंट दिए गए हैं कि वो टर्म्स किस डॉक्यूमेंट में आ रही है, किस पोजिशन पर आ रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड इन्वर्टेड इंडेक्स, कि हमें इन्वर्टेड इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी। हमने प्रीवियस एक टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टेड इंडेक्स एंड टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस। जब हम टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस की बात करते हैं तो हमने उसमें देखा कि हम उस कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से जो टर्म्स हमारे पास अक्कर हो रही हैं और जो टर्म्स हमारे पास अक्कर नहीं हो रही, हम वो टर्म्स भी टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स में कंसिडर कर रहे थे। लेकिन इन दी इन्वर्टेड इंडेक्स की अगर तरफ हम चाहें तो हम इन्वर्टेड इंडेक्स में ये कर रहे हैं कि हमारे पास वो टर्म्स किस पोजीशन पे आ रही है, हम ये चीज़ जो है वो इन्वर्टेड इंडेक्स में देखते हैं। और हमारे पास टर्म टाइप, व्हाट इज़ दी एडवांटेजेस ऑफ इन्वर्टेड इंडेक्स यूज, व्हाट इज़ दी ड्रॉबैक ऑफ टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स यूज इन द बिहाफ ऑफ द इन्वर्टेड इंडेक्स। जब हम टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मली हम एक यहाँ पे एक नॉर्मली डाटा सेट लिया हुआ है, एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट लिया है। अगर इसी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को जब हम बात करें टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस में इसको कंसीडर करें, तो ये तो हमारे पास एक जो है वो स्मॉल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है। अगर हम एक बिगर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ टर्म्स जो है कुछ डॉक्यूमेंट में अक्कर हो रही होंगी, लेकिन कुछ टर्म्स जो हैं कुछ डॉक्यूमेंट में अक्कर नहीं हो रही होंगी। ज़्यादातर टर्म्स हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में अक्कर नहीं हो रही होंगी, हमारे पास बहुत सी टर्म्स ऐसी होंगी जो कि हमारे पास किसी डॉक्यूमेंट में अक्कर हो रही होंगी। इट्स मीन कि हमारे पास नंबर ऑफ वन जो हैं वो लेस होंगे और नंबर ऑफ ज़ीरो जो हैं वो मोर होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो स्पार्स होता है। इट्स मीन द मैट्रिक्स इज स्पार्स, सो आई कैन नॉट बिल्ड द टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से हम इन्वर्टेड इंडेक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड इंडेक्स जो है वो ये इस चीज़ को ओनली वन रिकॉर्ड जो है ना वो पोजीशन को रखता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी टर्म किस डॉक्यूमेंट पे किस पोजीशन पे आ रही है। इस सारे रिकॉर्ड को जो है वो इन्वर्टेड इंडेक्स रखता है, सो आई कैन चूज दी इन्वर्टेड इंडेक्स।